हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए देगी चना पुलाव की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त बनते हैं और बहुत ही जल्दी से बनके तैयार हो जाते हैं। तो चलिए जल्दी से चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफ कप ऑयल मैंने डाला है और जब गर्म हो जाएगा तो एक बड़ी प्याज होती है ना, वो रफली चॉप की, वो इसमें चली जाएगी। उसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे, ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का सा फ्राई करना है। थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी तो लहसुन अदरक का पेस्ट चले जाएगा 2 टेबल स्पून। दैन इसको प्याज के साथ इतना फ्राई कर लेंगे कि लहसुन अदरक की जो कच्ची महक होती है ना, वो ख़त्म हो जाए। इतना इसको फ्राई करना है तकरीबन 1 से 2 मिनट तक। दैन सारा साबुत गर्म मसाला इसमें चले जाएगा। इसमें दालचीनी है, लौंगे हैं, काली मिर्चें हैं, बड़ी इलायची और हरी इलायची है। और जितना इसमें डालना है वो सारा स्किन पे शो हो रहा है तो आप चेक कर लीजिए। मिक्स कर लेंगे इसे अच्छी तरह से। दैन 2 मीडियम साइज के टमाटर चले जाएंगे, उसे इतना पकाएंगे टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। तकरीबन 2 से 3 मिनट तक लो फ्लेम पर इसको कुक करना है। दैन इसमें जायफल जावित्री पाउडर डाला है, इसमें हमने 1 टेबल स्पून और पुलाव मसाला बिरयानी मसाला डाला है 1 टेबल स्पून। इससे बहुत अच्छी खुशबू भी आती है और फ्लेवर भी बहुत अच्छा आएगा। और साथ ही मैंने सारे मसाले भी इसमें डाल दिए थे, जिसमें 1.5 टी स्पून है कुटी मिर्च, नमक है हस्ब ज़रूरत और ज़ीरा है 1 टेबल स्पून। इसे डाल कर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और तकरीबन 5 मिनट तक इसे लो फ्लेम पर कुक करना है ताकि मसाले की जो कच्ची महक होती है ना, वो ख़त्म हो जाए। दैन बॉइल्ड चने हैं, इसको मैंने पूरी रात के लिए भिगो कर रख दिया था, तो सुबह इसको बॉईल कर लिया था। बहुत अच्छे से इसको बॉईल किया हुआ है, 1 कप के करीब है, ये इसमें चले जाएंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसी पॉइंट पर पुदीना चले जाएगा, इसमें हाफ कप टी या फिर हाफ कप के करीब समझ लें। इससे खुशबू भी बहुत मज़े की आती है और फ्लेवर भी बहुत मज़े का आता है। इसी पॉइंट पर अगर आप इसमें आलू बुखारे इमली डालना चाहें तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। कवर करके इसे 5 मिनट तक पकने के लिए रख देंगे लो फ्लेम पर। ये राइस है, मैं इसके लिए राइस यूज़ कर रही हूँ, बासमती राइस। इसको मैंने 2 घंटे के लिए भिगो कर रख दिया था। 1 पाव के करीब चावल है, चावल चल जाएंगे इसमें। इसे अच्छे से कर लेंगे मिक्स। और अगर आप इसमें नमक इस पॉइंट पे चेक कर लीजिएगा, मुझे नमक कम लगा था, मैंने वो अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक और ऐड कर दिया था। पानी इतना चावलों में रखना चाहिए कि हमारी फिंगर का जो एक टिप है ना, वो उसमें डिप हो जाए, या फिर चावलों से 1 इंच ऊपर पानी होना चाहिए। तेज आंच पे पकने के लिए रख देंगे। जब पानी थोड़ा सा ड्राई होने लगेगा तो इस पॉइंट पर इसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल इसमें ऐड किया था। आप चेक कर लीजिएगा, अगर आपको ऑयल लगे तो ऑयल आप भी ऐड कर दीजिएगा, 1 से 2 चम्मच के करीब, टीस्पून ऐड किया था। हरी मिर्ची ऐड कर दीजिए अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। रेड फूड कलर इसमें ऐड कर दिया था। अच्छा, इस टाइम पे मैंने ना केवड़ा वाटर भी इसमें ऐड किया था, बट वो मिस हो गया था, तो आप चाहें तो 1 से 2 चम्मच वो भी डाल दीजिए, बहुत अच्छी खुशबू आती है इससे। उस पर तवा रख दिया था, तवे के ऊपर मैंने पतीला रख दिया था, तेज़ आंच करती थी, दम दी थी। जब भाप उठने लगी तो फिर मैंने आंच को बिल्कुल हल्का कर दिया और तकरीबन 5 मिनट के पर इसको हम दम दे देंगे। तो ये मज़ेदार से हमारी चना पुलाव देगी चना पुलाव तैयार है। अब चेक कर लीजिएगा 5 मिनट के बाद, अगर कसर रह जाए चावलों में तो आप 5 से 10 मिनट के लिए इसे और दम दे दीजिएगा, क्योंकि चावलों पर भी डिपेंड करता है ये। बस फिर डिश आउट कर दिया। इसे रायते के साथ, चटनी के साथ और जो जो लवाजमात आप इसके साथ रखना चाहें, आप इसके साथ सर्व कीजिए। इसे रायता मैंने बनाया था, बड़ा सिंपल सा रायता है, जिसमें मैंने काली मिर्च डाली थी, नमक डाला था, थोड़ा सा मैंने रेड फूड कलर इसमें ऐड किया था। अगर आपके पास खीरा हो तो वो ऐड कर दीजिए, प्याज हो तो वो ऐड कर दीजिए। मज़ेदार सा रायता तैयार, ज़रूर बनाएगा, बहुत ही मज़े के बनते हैं, बहुत ही जल्दी बन जाते हैं और फ्लेवर भी बहुत ही ज़बरदस्त होता है। बिल्कुल देगी चना पुलाव जो मिलता है ना बाज़ार में, बिल्कुल वैसा ही लगता है। तो इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। और अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी तो अभी के अभी इसे लाइक ज़रूर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, अगर आपने अभी तक नहीं किया तो प्लीज़ डू इट नाउ। बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है न्यू रेसिपीज़ के अपडेट के लिए। हैप्पी कुकिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।